अवध में क्रांति का केंद्र थी बेगम हजरत महल। अवध की जनता ने उनके बेटे बिरजिस कदर को गद्दी पर बिठा दिया था। वो अभी नाबालिग था, इसलिए शासन का काम बेगम हजरत महल ही संभाल रही थी। अंग्रेज लेखक रसल लिखता है, बेगम में अद्भुत साहस और योग्यता थी। बेगम ने हमारे साथ अखंड युद्ध का ऐलान कर दिया था। दूसरी तरफ सारे अवध में शांति, कानून और व्यवस्था कायम कर दी थी। उधर जनरल हैवलॉक कानपुर से लखनऊ की ओर बढ़ने के कई प्रयत्न कर चुका था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही थी। क्रांतिकारी सेना उसे आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। हैवलॉक एक बार फिर 20 सितंबर 1857 को विशाल सेना लेकर लखनऊ की ओर बढ़ा। इस बार उसके साथ नील, आउटरम, कूपर और आयर जैसे 4 अनुभवी जनरल भी थे। रास्ते में अवध की जनता ने जगह जगह कंपनी की सेना का विरोध किया, किंतु इस बार अंग्रेजों के हौसले बढ़े हुए थे। उन्होंने जिस गांव पर हरा झंडा फहराता देखा उसे जलाकर राख कर दिया, निवासियों को मार डाला। तेईस सितंबर को लखनऊ के पास आलमबाग में कंपनी की सेना और क्रांतिकारी सेना में जमकर मुकाबला हुआ, लेकिन तभी दिल्ली में दोबारा अंग्रेजी राज कायम होने की खबर आई। इससे अंग्रेजों के हौसले और बढ़ गए। 25 सितंबर को अंग्रेजी सेना चार बाग के पुल के पास आ पहुंची। क्रांतिकारी सेना के साथ यहां भी घमासान युद्ध हुआ, कंपनी सेना का भारी नुकसान हुआ। इसी दौरान इलाहाबाद में दमन करने वाला मशहूर सेनापति जनरल नील मारा गया। कंपनी की सेना लड़ते लड़ते रेजिडेंसी पहुंच गई। इसका नेतृत्व हैवलॉक कर रहा था। रेजिडेंसी में क्रांतिकारी सेना ने घेरा डाल दिया। अंग्रेजों की सेना रेजिडेंसी में कैद हो गई। आखिर ब्रिगेडियर ग्रांट एक बड़ी सेना लेकर आलमबाग पहुंचा। 14 नवंबर को आलमबाग की ओर से ब्रिगेडियर ग्रांट ने और रेजिडेंसी की ओर से हैवलॉक और आउटरम ने क्रांतिकारियों को दबाना शुरू किया। 16 नवंबर को सर कॉलिन कैंबेल ने अपनी सेना के साथ सिकंदरबाग पर हमला किया। क्रांतिकारियों ने यहां अद्भुत साहस दिखाया। इसके बाद दिलखुशबाग, शाह नजफ, मोती महल आदि अनेक स्थानों पर 23 नवंबर तक युद्ध जारी रहा। रेजिडेंसी में कैद अंग्रेज छूट गए, किंतु लखनऊ शहर अभी तक क्रांतिकारियों के हाथ में था। इसी बीच कानपुर पर तात्या टोपे के कब्जे का समाचार मिलते ही कैंपबेल कानपुर की ओर रवाना हुआ। उधर लखनऊ में जनरल आउटरम मोर्चा संभाले रहा। लखनऊ में उस समय क्रांतिकारियों के संगठन और नेतृत्व का काम क्रांति नेता मौलवी अहमद शाह देख रहे थे। अंग्रेज इतिहासकार लिखते हैं कि फैजाबाद के मौलवी अहमद शाह में एक महान आंदोलन चलाने और विशाल सेना का नेतृत्व करने की अद्भुत योग्यता थी। आलमबाग पर जितनी बार भी युद्ध हुए, मौलवी अहमद शाह अपने घोड़े पर सबसे आगे लड़ते हुए दिखाई देते थे। अवध में क्रांतिकारियों का संगठन इतना जबरदस्त था कि अंग्रेजों को वहां पैर जमाना मुश्किल हो रहा था।
अवध की अधिकांश प्रजा, लगभग सभी राजा, जमींदार और ताल्लुकेदार सच्चे उत्साह से नवाब बिरजिस कदर और बेगम हजरत महल के लिए अपना बलिदान देने के लिए तैयार थे। इनमें राणा बेनी माधव का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। राणा बेनी माधव में जन संगठन और छापा मार युद्ध कला की अद्भुत योग्यता थी। अंग्रेजों ने उन्हें अपनी ओर मिलाने के लिए बहुत लालच दिए, किंतु राणा बेनी माधव ने बेगम हजरत महल का साथ नहीं छोड़ा। 15 जनवरी 1858 को फिर युद्ध छिड़ा। उस दिन मौलवी अहमद शाह के हाथ में गोली लगी। 17 जनवरी को क्रांतिकारियों के एक और मुख्य सेनापति विदेही हनुमान घायल हुए और उन्हें अंग्रेजों ने पकड़ लिया। इसी दिन राजा बाल कृष्ण सिंह की मृत्यु हुई। 15 फरवरी 1858 को हाथ की चोट ठीक होने पर मौलवी अहमद शाह फिर युद्ध के लिए तैयार हो गए, लेकिन अब लखनऊ में अंग्रेजों की सेनाओं का भारी जमाव हो गया था। वो यहाँ क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए पूरी ताकत लगा देना चाहते थे। उधर बेगम हजरत महल मर्दाना वेश पहनकर हथियार बांधे क्रांतिकारी सिपाहियों के हौसले बढ़ा रही थी। बेगम हजरत महल ने स्त्रियों का एक पूरा संगठन तैयार किया था। महलों की बांदियां उनकी निगरानी में कवायद किया करती थी। महिला जासूसों का एक अच्छा संगठन भी उन्होंने तैयार किया था। इतिहासकार लिखते हैं कि काश बेगम हजरत महल ने सैनिक शिक्षा पाई होती तो वो तमाम मर्द सेनापतियों से कई गुना अच्छी कमांडर साबित हुई होती। लखनऊ की एक एक इंच भूमि पर युद्ध शुरू हो गया था। बेगम हजरत महल भी हाथी पर सवार होकर युद्ध के लिए निकल आई थी।